भैन दी सिक्की कल रात में रशियन पैकेज है कर मेरा अकाउंट पे बग डाल दिया और उसके बाद हैक किया गया उसको यूट्यूब अकाउंट को। तो वो कहीं रशिया से पौन की लेना यार ना तेन समझ आ। गुडे यार, तो सारे छोटे भाई छोटे भैन भरा दाइया चाचियां फूफियां नानियां ते दादियां पोतियां सारे नमस्कार सत असलाम वालेकुम। तो चलो आज रिएक्शन करते हैं। आज एक है बहुत ही पुराना, 3 साल पुराना, ये OST है पाकिस्तान का, इसका खुदा और मोहब्बत, इनको गाया गया है लेजेंडरी सिंगर पाकिस्तान से राहत फतेह अली खान साहब और है निशा अशीर। तो मेरा भी वही हिसाब हो गया कि जितना पुरानी माइयाँ मांगना पुराने संदूकों से कुछ कट कट के ले आई जा रही है पुरानी चीज़ें। चलो जब जागो तभी सुबह। और अगर मैं पाकिस्तानी ड्रामों की बात करूँ तो मैंने पाकिस्तानी ड्रामा देखा, मैंने लत पड़ गई थी उसकी, को क्या था जो इसमें लड़की है थंबनेल में दिखा रहे हैं उसको, उसका सुनो चंदा बाबा, वो ऐसा तो कहानी थी, दो भाई थे उसके, एक लड़का लड़की, एक छोटा सा लड़का था लॉन्ग हेयर वाला डीजे, और उसमें वो पठान भी थे जो मूछों रख के। और चलो कहानी तो चलो, अब मैंने वो देखी, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उसका मेरे को ऐसा चस्का पड़ गया, ऐसा चस्का पड़ गया, मेरे को 2 महीने ना मैं वेट करता था, वो पाकिस्तान के हम टीवी के ऊपर आता था, उसके बाद वो जब यूट्यूब में डाउनलोड होता था वो डालते थे तो 3-4 दिनों बाद एक एपिसोड आता था, हफ्ते बाद 2 एपिसोड आते, तो मैं मेरे दिमाग में वो 2-3 महीने ना वही चलता रहा, सुनो चंदा, मेरे को लगता था मैं ही चंदा, मैं ही वो लड़की, उसका लड़की का नाम क्या होता है दिया आई थिंक, जो सेम लड़की है इसमें थंबनेल में। चलो यार ये देखते हैं खुदा और मोहब्बत, और इसमें है ये लड़के का नाम है फिरोज खान, और फिरोज खान को मैंने देखा है सलमान खान के साथ, एक यूट्यूब शॉर्ट में देखा था उसके, सलमान खान के साथ इनकी थी वीडियो। चलो यार देखते हैं, पाकिस्तान के जो ड्रामे होते हैं अच्छे होते हैं जो मैंने देखा है, उसके बेस पे बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इंडियन ड्रामा में तो मोस्टली होता है ना कि सास बहू 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 तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा होता रहता। चलो एनीवे चलो स्टार्ट करते हैं। आ रही है पता नहीं भाई, मैं अगर मैं गाने की बात करूँ तो राहत फतेह अली खान से की आवाज में एक और सुर निकला जो कान में अच्छा लगा सुनने को यार, उनकी आवाज ही कुछ ऐसी है कि आप बैठे बैठे मदहोश हो सकते हैं। और रही इस ड्रामे की बात, मेरे को नहीं समझ आया भाई कौन आ रहा कौन जा रहा, फ्लैशबैक भी चल रही है, उसकी शादी भी हो गई है, शी इज इन अ वाइट ड्रेस, बट एनीवे एवरीथिंग वाज सैड, और खुशी के जो छोटे छोटे मोमेंट दिखाए गए अच्छे लगे देख के, पर मेरे को आई होप दे गेट टुगेदर ऑन द लास्ट। यही बात बोलने लगा हूँ कि जो ये पाकिस्तान ने जो मैंने एक ड्रामा पूरा देखा मैंने वो सुनो चंदा, अरे बाबा वो चंदा ने मेरे को पागल कर दिया था चंदा ने। तो कंपेयर टू जो इंडियन जो ड्रामे होते हैं उनसे अच्छी स्टोरी लाइन होती है, और मैं उसके बेस पर बात कर रहा हूँ जितना मैंने देखा हुआ। अब इसी गाने को देख लिया OST है तो उसमें से सारी जो फ्रंट आई थिंक माइट बी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड दे पुट एवरीथिंग टुगेदर और कांट गैस व्हाट हैपन, पर ये है एक अच्छी, मतलब ये है कि जो पाकिस्तान के जो ड्रामे होते हैं उसमें शादी का जरूर सीन होता है भाई, शादी मतलब शादी होनी है प्राण पे, जे ड्रामा हो या नहीं तो ब्याह नहीं हो जाता या होया नहीं होया या टूट गया ये तो जरूर होता ही होता, मतलब कॉन्सेप्ट सेंटर लाइन वहीं घूमती है वो वेंचुरी जाके, पर साथ में जो फैमिली वो इन्वॉल्व करते हैं साथ में होता है ना कि जो उनके ताया चाचे भाई बहन सबको इन्वॉल्वमेंट होती है उसके साथ, वो अच्छा लगता है देखने में, फैमिली ओरिएंटेड ड्रामा होते हैं वो, लैंग्वेज में मज़ा आता है देखने में। तो बाकी थोड़ा सैड सा था पर पता नहीं है, मेरे को मिक्स फीलिंग आई देख के, सैड है कि पता नहीं लास्ट में क्या यार, सॉरी यार मैं इसको जज नहीं कर पाया टू बी ऑनेस्ट कि क्या हुआ, क्योंकि वो ड्रामा देखना पड़ेगा जो आई थिंक 3 साल पुराना ड्रामा है ये, तो वो देखना पड़ेगा गाने के साथ, आई कुड नॉट रिलेट हो स्टोरी, यही तो अच्छी बात है ना, यही तो एक आर्ट है कि आप गैस ना कर पाओ हर चीज़ और लोगों को देखने पे मजबूर करो। पर मैं देखेगा नहीं, मैं लास्ट 2-3 एपिसोड देखेगा, एंड देख लिया, क्योंकि अगर मेरे को चस्का लगा तो मेरा सिंपल फोई फंडा ने एक बार स्टार्ट किया तो जब तक वो ख़त्म ना हो मेरे को सुकून नहीं मिलता। और यार हाँ सुकून से बात आया, कल भैन दी सिक्की कल रात में रशियन पैकेज है, कल रात को मैंने एक कोक स्टूडियो बंगला का गाना था, तो कुछ उनकी सजेशन थे कि भाई एक ये गाना है उनका कोथा कोयना, उसके ऊपर मैंने रिएक्शन किया, वो अपलोड किया, उसके बाद क्या हुआ कि मेरा अकाउंट पे बग डाल दिया और उसके बाद हैक किया गया उसको यूट्यूब अकाउंट को।
तो वो कहीं रशिया से दा मंगा पाण की लेना यार, ना तेनों समझ आनी मैं की किया, तेनों की फायदा की मिलना। देन आई रिकवर्ड माई अकाउंट 12 o'clock एट नाइट, सो आई हैव टू अपलोड अगेन। सो कल दो बार एक वीडियो अपलोड हुई थी, वो जो कोक स्टूडियो बंगला सीजन 2 की थी। हमारे घर में जो हैं वो यू नो व्हाट आई मीन, तो वो आजकल पाकिस्तानी एक ड्रामा देखने स्टार्ट हुआ, मेरे आवाज़ आती है जब वो तेरे बिन, मैं कभी देखा नहीं, बैठता नहीं मैं साथ में जब वो बैठे होते हैं तो मैं शो इंटरेस्ट टू वॉचिंग दैट स्टफ। किस एक बार वो एक ऐसी एडिक्शन है ना, एक बार स्टार्ट हो गया तो वो फिर बंद नहीं होता मेरे से, तो इसलिए मैं मूवी देख लेता, इंजॉय करता हूँ, गाने सुने जो एक गो में फिनिश हुए, उसके बाद से जो टेक लिया जो अच्छी चीज़ थी जो ग्रैप कर सकता था मैंने किया, छोड़ दिया। अगर ड्रामा चला तो 2 महीने चलता, मेरे से इतना वेट नहीं होता टू बी ऑनेस्ट उस चीज़ के लिए, और इससे अच्छा मैं अपना बुक खोल लेता हूँ, उसी को एंजॉय कर लेता हूँ। चलो यार, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी, बहुत ही प्यारा मास्टरपीस, एक पाकिस्तान का यूनिवर्सिटी का 3 साल पुराना है, अभी तक इसके बन चुका होगा, लोगों ने देख लिया होगा, पर चलो ये आपका सजेशन था तो मैंने किया आपके साथ। कहते ना कि जब जागो तभी सवेरा, तभी सुबह हुई, तो मेरे लिए आज ही सुबह हुई ये देखने लिए। तो फिरोज खान और ये आई डोंट नो द नेम ऑफ द गर्ल, बट she done really good acting on the show which is I have seen the drama suno chanda abhi bhi mere ko suno chanda main suno chanda acha nahi hota chalo yaar stay blessed and stay happy I'll see you next video and I hope so tomorrow will be coke studio pakistan will release new song and tomorrow we'll do that one and next sunday ko hone wala hai india aur pakistan ka match to enjoy kijiyega par जरा तमीज से रहिएगा एक दूसरे के साथ यार, इंजॉय कीजिएगा, मैच होगा, एक मैच ही है वो, क्रिकेट है, गेम है, उसका कोई एक जीतेगा एक हारेगा, ना ही किसी को ट्रोल की, ना ही किसी को मजाक उड़ाइए किसी का, जो जीता जो अच्छा गेम खेलेगा वो जीतेगा, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। तो इसको जंग मत बना देना सोशल मीडिया के ऊपर, और दोनों तरफ से मेरी ये इंडिया और पाकिस्तान के लोगों से मेरी ये हाथ जोड़ के भाजा, इंजॉय कीजिएगा जिंदगी को, ईजी रखिए, हार्ड मत कीजिए। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।